श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के दूसरे चरण में मंदिर में जाने वाले 4 नंबर गेट के सामने से बड़ा गणेश मंदिर मार्ग को भी चौड़ा किया जाना है। कार्यवाही शुरू करने के पहले बुधवार को सभी दुकानदारों को दुकानें खाली करने की सूचना दे दी थी। गुरुवार को बड़ा गणेश मंदिर के आसपास के कुल 9 मकान और इनमें लगी दुकानों पर कार्यवाही के लिए SDM कल्याणी पांडे के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। कार्यवाही शुरू होने के पहले ही मकान के रहवासियों ने बताया कि उनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। SDM के मांगने पर रहवासियों ने स्टे ऑर्डर दिखा दिया। ऑर्डर में 8 मकानों के नाम थे, लेकिन एक मकान का नाम स्टे ऑर्डर में शामिल नहीं था। अमले ने इस मकान को तोड़ने का काम शुरू किया तो मकान मालिक ने विरोध जताया। इस दौरान पुलिस और मकान मालिक के बीच जमकर बहस हुई। SDM कल्याणी पांडे ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय से निर्देश के बाद 9 मकानों को 3 दिन में खाली करने को कहा था। मकान आज भी खाली नहीं हुए। इसमें से 8 मकानों पर स्टे होने से शेष एक मकान के आगे के हिस्से को तोड़ने की कार्यवाही की गई है। प्रशासन और नगर निगम की टीम के पहुंचने के बाद स्टे ऑर्डर वाले 8 मकानों को छोड़कर एक मकान पर कार्यवाही शुरू होना था। इस दौरान मकान मालिक ने विरोध करते हुए कार्यवाही रोकने की मांग की। मकान मालिक और परिवार के सदस्य मकान के बाहर नहीं निकले तो पुलिस के द्वारा सख्ती करने पर मकान मालिक ने 2 घंटे का समय सामान निकालने के लिए मांगा। परंतु ये लोगों द्वारा अभी तक यहाँ पर खाली नहीं किए गए। आज दिनांक यहाँ पर कार्रवाई करते हुए ये देखा गया कि करीब 8 स्ट्रक्चर्स जो है उन्होंने अपना स्टे प्रस्तुत किया है आदेश, तो उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में। और एक जो है एक मकान है इसका, वहाँ पर इसका आगे का हिस्सा जो है वो आ रहा है और उसमें इनको स्टे प्राप्त नहीं है, तो उस पर फिर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है।